CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज का हमारा अक्षर है ल। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम ल से लकड़ी। नमस्ते बच्चों। अरे बैठो बैठो बैठो, शाबाश शाबाश। हाँ तो बच्चों, ये बताओ कि सब तैयार हो कहानी सुनने के लिए? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनाते हैं सुनाते हैं। तो सुनो बच्चों, आज का अक्षर है ल और आज की मेरी कहानी का नाम है ला से लकड़ी। ला से लड़की की कहानी? अरे नहीं नहीं, ला से लड़की नहीं, ला से लकड़ी की कहानी। ला से लकड़ी, ला से लकड़ी, ला से लकड़ी। ये कैसा नाम है? इसका लड़कों ही डंडी। तो ठीक है बच्चों सुनो, एक था लड़का, ला से लड़का, नाम था लाखन। ला से लाखन, ला से लाखन, शाबाश। तो लाखन ना बहुत ही अच्छा कलाकार था बच्चों। वो लकड़ी की बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें बनाकर बेचा करता था, लोगों को उसकी चीजें बहुत पसंद आती थी। वो लाखन से लकड़ी का बहुत सारा सामान खरीदते थे। अच्छा ये बताओ कि लाखन लकड़ी का क्या क्या सामान बनाकर बेचता था? पलंग, कुर्सी, चारपाई, दरवाजा, अलमारी। अच्छा ये बताओ कि लाखन ल से क्या बेचता था? लड्डू। अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, वो लकड़ी का लड्डू बनाकर भी बेचता था। लकड़ी का लड्डू कौन खाएगा? लकड़ी की बॉल बनाता, हाँ लकड़ी की गेंद बनाता था। लाठी, ला से लाठी भैया, ला से लोटा, ला से लोटा, ला से लंगूर, ला से लकड़ी का लंगूर। अरे वाह क्या बात है। ला से लालटेन, ला से लाइट, लकड़ी का लड़का, हाँ ला से लकड़ी का, ला से लड़का, लकड़ी का लड़की, लकड़ी की लड़की, क्या बात है। बजाओ सी बात, जोरदार ताली, शाबाश। बिल्कुल सही कहा तुमने, लाखन लकड़ी की ये सब चीजें बनाता था, बहुत ही सुंदर। उसकी चीजें दूर दूर तक मशहूर हो गई थी। लाखन बहुत धन कमाता, फिर वो और ढेर सारी चीजें बनाता बड़ी लगन से, लगाता भैया, ला से लगाता, ला से लगाता भैया, ला से लगा, ला से लगा भैया, ला से लगन, ला से लगन, ला से लगाना। वाह क्या बात है, शाबाश। तो बच्चों इसी तरह लाखन बहुत मशहूर हो गया, इतना मशहूर कि राजा ने उसे बुलवाया। वाह लाखन के तो मजे आ गए भैया। ला से लाखन, ला से लाखन। अब लाखन खुश हो गया, पता है वो खूब तैयार हुआ। मजा आ गया, मुझे तो राजा ने बुलाया है। मैं पाउडर लगा लूं, हां पाउडर भी लगा लूं, हां क्रीम लगा लूं, हां क्रीम भी लगा लेता हूं। भाई राजा ने जो बुलाया है, चमकते कपड़े पहनता हूं, कपड़े पहन, कपड़े चमकते पहनता हूं। फिर लाखन ने लकड़ी का एक लंबा डंडा लिया और उस पर ढेर सारी छोटी 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 लकड़ी की चीजें लटकाई। अच्छा ये बताओ उसने लकड़ी की कौन कौन सी चीजें लटकाई? लोटा, लोटा, लंगूर, ला से लोटा, ला से लंगूर, ला से लट्टू, ला से लालटेन, ला से लालटेन। अरे छोटा सा लड़का, छोटा सा लकड़ी का लड़का, छोटी सी लड़की, छोटी सी लकड़ी की लड़की। वाह क्या बात है। फिर बच्चों लाखन ने सोचा, राजा इतनी सुंदर सुंदर चीजें देखकर मुझे ढेर सारा इनाम और उपहार देगा, सोना देगा, अरे चांदी देगा, हीरा देगा, हीरा देगा, मोती माणिक सब देगा, कार देगा, हाँ घोड़ा गाड़ी देगा, बैल गाड़ी देगा, उधार देगा, उधार उधार क्यों देगा, अरे मुझे खुद इनाम देगा, इनाम। हाँ तो बच्चों पता है फिर ये हुआ कि लाखन को लाने के लिए राजा ने गाड़ी भिजवाई, घोड़ा गाड़ी। लाखन घोड़ा गाड़ी में बैठकर बड़ी शान से राजा के महल में पहुंचा। ब्रेक कैसे लगाया? ब्रेक कैसे लगाई? हाँ तो बच्चों लाखन बड़े गर्व के साथ अब खड़ा था राजा के दरबार में और सोच रहा था कि अब देखे राजा मुझे उपहार में क्या क्या देता है। लगता है बहुत कुछ देने वाला है राजा। तो बच्चों तब पता है राजा ने क्या किया? क्या किया भैया? राजा ने बड़ी जोर से लाखन को डांट लगाई। है ये क्या? है ये क्या डांट? हाँ
डांट लासे लगाई। राजा बोला, लाखन तुम्हें कड़ी से कड़ी और लंबी से लंबी सजा मिलेगी। लेकिन भैया उसे क्यों मिलेगी? क्यों मिलेगी भैया? अरे यही तो बात थी बच्चों, लाखन भी सोच में पड़ गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो कुछ और सोच रहा था। तब राजा बोला, लाखन लोग कहते हैं तुम बहुत सुंदर और बड़ी लगन से लकड़ी की ढेर सारी चीजें बनाते हो, लेकिन ये बताओ कि तुम लकड़ी लाते कहां से हो? हैं? अब तो लाखन डर गया। राजा ने आगे पता क्या कहा? लाखन जी महाराज जी, सुनो मेरी बात, तुमने लालच में आकर बहुत सारे पेड़ काट डाले हैं। तुम्हें मालूम भी है कि लाखों पेड़ लगते हैं तब कहीं जाकर जंगल बन पाते हैं। भैया लासे लाखों, लासे लाखों, भैया लासे लालच, लासे लालच, लासे लाखन, लासे लाखन, लासे लाते, लासे लाते, लासे लगते, लासे लस्सी, शाबाश। हाँ तो आगे पता क्या हुआ? राजा ने कहा, देखो लाखन, पेड़ों से हमें बड़े लाभ हैं, पेड़ों से हमें जीवन मिलता है। अच्छा बच्चों ये बताओ कि हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फल, सब्जियाँ, फूल, शाबाश, दवाइयाँ, वाह क्या बात है, जड़ी बूटियाँ, सब कुछ। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब तो बच्चों लाखन को बहुत शर्म आई, उसे ये अच्छी तरह समझ में आ गया था कि वो पेड़ों को काट कर कितना गलत काम कर रहा था। उसने राजा से माफी मांगी और कहा, महाराज मुझे माफ कर दे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। महाराज मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं अब से पेड़ कभी नहीं काटूंगा महाराज, मैं पेड़ लगाऊंगा, उनमें पानी दूंगा महाराज, घर में पेड़ लगाऊंगा, मैं पेड़ों को पानी दूंगा, मैं बगीचे में पेड़ उगाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मैं बगीचे में पेड़ उगाऊंगा, मैं फूल वाले पेड़ उगाऊंगा, मैं सब्जी वाले पेड़ उगाऊंगा, मैं फल वाले पेड़ उगाऊंगा। हाँ मैं फल वाले पेड़ लगाऊंगा महाराज, मैं फूल वाले, हाँ मैं फूल वाले लगाऊंगा महाराज, ख्याल रखूंगा, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा महाराज, पूरा ख्याल रखूंगा, परिवार की तरह अपना ख्याल रखूंगा। हाँ उनका ध्यान रखूंगा। हाँ महाराज मैं पेड़ों का अपने परिवार की तरह ख्याल रखूंगा, अपने बच्चों की तरह उन्हें पालू पोसूंगा महाराज। पेड़ उगाना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मजा भी आता है, बहुत मजा भी आता है, शाबाश, ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमें फल देते, फल देते हैं, फूल देते हैं, जड़ी बूटियां देते हैं। हाँ तो बच्चों राजा क्या कहना चाहते हैं अब ये बात लाखन ने अच्छी तरह से पकड़ ली, यानी अच्छी तरह से समझ ली। राजा ने कहा, सुनो लाखन, जी महाराज, मुझसे वादा करो कि अब तुम कभी पेड़ नहीं काटोगे, जमीन पर पड़ी लकड़ी को काम में ले लो और उसे खूब बेचो, उससे सामान बनाओ, खूब धन कमाओ, हमें भी दो, हम भी खरीदेंगे तुमसे वो सामान, लेकिन पेड़ मत काटना। जी महाराज अब मैं आपकी बात समझ गया महाराज, मैं अब कभी पेड़ नहीं काटूंगा, हाँ मैं आपसे वादा करता हूँ। शाबाश लाखन, हम खुश हुए, लो इसी बात पर हम तुम्हें अपना ये सोने का हार भेंट देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाखन को राजा ने इनाम दे दिया। हाँ इनाम दे दिया। अब वो पेड़ भी नहीं काटता था। हाँ पेड़ काटना बिल्कुल बंद कर दिया था उसने। पेड़ उगाना भी शुरू कर दिया था। हाँ नए पेड़ उगाना भी शुरू कर दिया था। वो जमीन की लकड़ी उठाता था। हाँ बेटा जमीन की लकड़ी उठाता था, उससे सामान बनाया करता था वो, और अब पता है उसका सामान खूब बिकता था, सब लोग खरीदते थे उससे। तो बच्चों इस तरह से लाखन ने राजा की बात मान ली और सब खुश हो गए। क्या हो गए? खुश हो गए। खिलौने वाले आया, खिलौने ले लो, लकड़ी के गुड्डे गुड़िया ले लो, अरे लकड़ी के खिलौने ले लो। ओ भाई एक था लड़का लाखन, बहुत बड़ा था कलाकार, लकड़ी की चीजें बनाकर बेचे लगातार। लासे लड़का लाखन, लासे लकड़ी लगातार, लकड़ी के गुड्डे गुड़िया ले लो, लाठी और लंगूर ले लो,
लोटा और लड्डू भी ले लो। ओ भाई, लकड़ी के लड़का और लड़की, लाठी और लंगूर, लोटा लट्टू लकड़ी के बेचे तो धन भरपूर। लासे लड़का लासे लड़की, लासे लट्टू लासे लकड़ी, लासे होता लोटा, लासे लाठी और लंगूर। बुलवाया राजा ने लाखन को गाड़ी भिजवाई। लाखन ने लकड़ी के डंडे पर चीजें लटकाई। लासे होता लाखन, लासे लकड़ी और लटकाई। लाखन ने सोचा, राजा देगा ढेरों उपहार। राजा ने पर डांट लगाई, जोर से भी ललकार। लाखन, लासे लाखन और लगाई, लासे है ललकार। लोग हैं कहते लगन से तुम तो चीजें बहुत बनाते, लेकिन लाखन ये समझाओ लकड़ी कहाँ से लाते। लासे लेकिन लाखन लकड़ी, लोग लगन और लाते। लालच में आकर के तुमने पेड़ बहुत है काटे, सजा मिलेगी लंबी, सजा मिलेगी लंबी, अब की बार जो काट के ला दे। लासे होता लालच लंबी और लासे है लाते। बड़े काम के पेड़ है लाखन, इनसे होता जीवन। पेड़ लगाओ लाखों पेड़, उगे तो बनता है वन। पेड़ लगाए लाखन ने और उसने बाती पकड़ी, पेड़ न काटो काम मिले, लो पड़ी जमीन पे लकड़ी। लसे लाखन अब ना काटे, लसे लकड़ी लसे लकड़ी, पेड़ न काटो काम मिले, लो पड़ी जमीन पे लकड़ी। लसे लकड़ी लसे लकड़ी, लसे लकड़ी लसे लकड़ी, लसे लकड़ी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रवीण शर्मा, बाल कलाकार नमन, निशांत, लवीश, सोफिया, चारू, नीरू और हरियक्ष। संगीतकार राकेश पंडित, गायन स्वर चित्राली गोस्वामी, प्रत्यय रक्षित, मेघा और आभा। ध्वनियांकन बटिलेंग लिंगडो और शानू मुक्सीम। आलेख, गीत, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।